दोस्तों, अगर आपका भी फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो है काम नहीं कर रहा है, या जब भी आप अपना फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो को ओपन करता है तो उसमें लिखाता है समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज टैग, दोस्तों ये आप जो उसको कैसे ठीक कर सकते। जी हाँ दोस्तों, मैंने भी यूट्यूब पर जो है 5-6 को जो है वीडियो देखा, तो दोस्तों इसके थ्रू मैंने सेटिंग किया तो दोस्तों मेरा जो है ठीक नहीं हुआ। तो दोस्तों आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, जी हाँ दोस्तों, तो मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊँगा जिसके जरिए आपका जो है ये फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो 1 मिनट में काम करने लगा। जी हाँ दोस्तों, अभी जो है एक बहुत बड़ा बग चल रहा है क्रिएटर स्टूडियो में। दोस्तों ये जो है आप अपने कैसे ठीक कर सकते हो, चलिए मिल चल दो अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। तो दोस्तों मैं आ गया अपने मोबाइल के स्क्रीन में। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, प्ले स्टोर को ओपन कर लें। तो मैं यहाँ ओपन करें और मैनेज पर क्लिक करके देखिए दोस्तों, मैं जो अपना जो है यहाँ पे क्रिएटर स्टूडियो को अपडेट कर लेता हूँ। तो आपको भी सेम वैसे ही करना है, आपको अपना जो है क्रिएटर स्टूडियो को अपडेट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर अपने अपडेट कर लेता हूँ, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, अपडेट होने में टाइम लगेगा दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो है अपडेट हो चुका है। अब मैं दोस्तों यहाँ पर सेटिंग को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर वो स्क्रॉल डाउन में ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे ऐप्स लिखा है, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए मैनेज ऐप्स है 2 नंबर पर, इस पर क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे 2 नंबर पे क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको सर्च करना है फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो का सर्च लिख कर सर्च करना। तो मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ क्रिएटर स्टूडियो। उसके बाद देखिए क्या लिखा है यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके, यहाँ पर देखिए क्लियर डाटा लिखा है, उसका क्लियर ऑल डाटा कर देंगे। उसके बाद देखिए क्लियर ऑल डाटा करके बाद ओके कर देंगे। उसके बाद देखिए थोड़ा ऊपर की तरफ करेंगे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा और ऊपर की तरफ कर लेता हूँ। और इसके बाद देखिए यहाँ पर देते हैं डाटा यूजेज पर हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर क्लिक कर दे। उसके बाद देखिए मोबाइल डाटा उसको जो है आपको इनेबल कर देना है। तो मैं यहाँ पर अपने पहले से ऑन कर दिया हूँ, अगर आपका ऑफ रहेगा तो यहाँ से आपको दोस्तों ऑन कर देना है। उसके बाद बैक चला जाना है, बैक चलाने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएटर स्टूडियो को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देखिए मैं जो है इस तरह को ओपन कर, उसके बाद देखिए कंटिन्यू है, जैसे जो आपका जो है नाम आएगा उस पर क्लिक करें। जैसे ही आपके क्लिक करेंगे तो आपका जो है फेसबुक का जो रहेगा पेज वो आ जाएगा। तो मेरा जो फेसबुक का जो पेज आ गया है फर्स्ट आईटी के नाम से दोस्तों, तो मैं इस पर एक बार क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इस बार एक बार क्लिक किया तो देखिए मेरा जो है पेज का जो है सब एनालिटिक्स खुल चुका है दोस्तों। यहाँ पर जो है मेरा जो है फेसबुक क्रिएटर जो है खुल कर दोस्तों यहाँ पर रेडी हो चुका है, देख सकते हैं। मैं किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करूँगा नीचे में तो सब आने लगा है दोस्तों। आप भी ऐसे ही देख कर दोस्तों आप ऐसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।